कर को तो एक बार मारोगे तुम लोग मुझे, मैं नहीं आ रही हूँ। ना ना क्यों मारेंगे, तुम लोग मुझे मारोगे। Back to my YouTube channel. So today I'm a little excited and nervous too, because आज हम कुछ बहुत महान काम करने वाले हैं। महान काम मतलब कि आज अपने बाल छोटे कराने वाली हूँ, इतने छोटे कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचे थे। हाँ, बॉय कट आई एम थिंकिंग ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं जनवरी में मैंने सोचा था कि मैं कर लूँगी, बट लेकिन टलते गया और चीज़ें होते गई तो ऐसे चलता रहा। बट नाउ आई एम थिंकिंग टू गेट इट डन, और आज वो दिन आ गया है। मैंने अपने आप को 2-3 दिन से प्रिपेयर किया और करीबन 1 दिन से या 2 दिन से अपने बालों को देख रही हूँ कि इट्स फाइन, बट आई बिलीव कि जो आपको मन में होता है कर लेना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो। तो आई एम थिंकिंग टू डू इट, क्या है यार, बढ़ ही जाएंगे, सो इट्स ओके फाइन। और अपॉइंटमेंट आई हैव टू का अपॉइंटमेंट, इट्स इन वर्सोवा, और वो है 3 बजे के आसपास, और अभी बज रहा है 12, तो प्रॉफिट से मतलब मैं लेट उठी क्योंकि मैं कल रात भर बाल ही देख रही थी अपने किडिंग। सो प्रॉफिट से ब्रेकफास्ट बनाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन रेडी होते हैं और चलते हैं अपने न्यू मेक ओवर के लिए। आई एम एक्साइटेड। ओके, सो आई एम थिंकिंग टू मेक कॉफ़ी, और लास्ट नाइट ना आई ऑर्डर दिस ब्राउनी, दीज आर लाइक टोटली हेल्दी ब्राउनीज, इसमें ग्लूटेन फ्री वगैरह वगैरह जो जो होता है, इट्स अ कीटो डाइट वाला, सो आई एम गोइंग टू ईट दिस एंड वन टोस्ट। तो जब से यू नो, अगर आपने प्रीवियस ब्लॉग देखे तो मैं उसके बाद से संभल गई हूँ कि रेड आई ऑलवेज प्रिजर्व द मिल्क फर्स्ट, कि थोड़ा गर्म कर लो, लेट इट बॉयल, बिकॉज 2-3 दिन बाद ख़राब हो चुका है, तो अब अपने फेलियर से ही सीख लो भाई कब तक ऐसा करोगे। तो ब्रेकफास्ट हो गया रेडी, ये है पीनट बटर और ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड है, और ये है बनाना, और ये है कॉफ़ी, और ये है हमारी ग्लूटेन फ्री ब्राउनी। अभी टू बी ट्रू, मैंने अपने ना घर वालों किसी को भी नहीं पता है कि मैं शॉर्ट हेयर करवा, मैंने बहुत पहले बोला था, तो मम्मी ने ऐसे मजाक में बात डाली थी कि क्या करोगे करवा के, मजाक कर रही हो, बिकॉज पापा और मम्मी को मेरे बाल बहुत ही पसंद है, और खैर टचवुड मुझे बहुत पसंद है, वेरी नाइस एंड हेल्दी, बट ठीक है। तो मुझे नहीं पता उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, तो मैं सोचूँ अभी ना बताऊँ, बिकॉज दे गोना से नो, डेफिनेटली पेरेंट्स हमेशा मनाई करते हैं बाल कटाने के लिए, तो जब हो जाएगा तब मैं बताऊँगी। आई एम साउंडिंग लिटिल मीन, बट इट्स ओके, वो अब फिर कुछ गलत नहीं है इसमें, बाल ही कटा रहे हो। सो मैंने थोड़ी देर पहले ही मम्मी का नाम लिया था, मम्मी का वीडियो कॉल, हाय ताई क्या कर रही हो, मुक्का दिखाओ जिससे मुझे मारोगी, ये मेरी मम्मी का मुक्का है जिससे मुझे मारोगी, दिखाओ, वाओ कितना क्यूट सा मुक्का है, मम्मी कितना छोटा हाथ लग रहा है, ऐसे दिखाओ, ऐसे ऐसे धमकाती मेरी मम्मी मुझे, मुक्का मारूंगी मुक्का, गुन्नी छोटी क्या हो तुम बताओ, एक लाचार अम्मा। सो आई हैव चेंज, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि हेयर कट के अकॉर्डिंग कपड़े पहन लो तो वियर्ड ना लगे, जब मतलब वो सूट करे, तो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग। आई थिंक शूज सही है, सॉक्स चेंज करने पड़ेंगे, वो दोनों वाइट मैच नहीं कर रहे। लेट्स गो, फाइनली टाइम आ गया है निकलने का, आई एम स्टिल लिटिल नर्वस बट आई एम एक्साइटेड टू कि क्या होगा, लेट्स गो, वी आर लेट अगेन। Alright, so we are doing our hair wash first and then we gonna go and cut. So I'm super excited. Alright, so here he started chopping my hair and it was very weird feeling. I can't explain you. The light sa feel hua tha na cut karne ke baad. It was like, yeah, I got my 2 bunnies. Okay, so we are done. Achhe se trim ho gaya and I am really liking this hair on me. Yay! Dada, ये हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है? अरे मैं क्या बताऊँगा,
झूठ मत बोलना, देखो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सबसे बताओ कैसा लगा? अच्छा लगा, मैंने छोटे कराए बाल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा नर्वस भी लग रहा है, मुझे पसंद आया, आई एम लाइकिंग इट। ये बीच की मांग निकलेगी दो दिन तक, बिकॉज हमेशा मुझे सेंटर पार्टीशन किया जाती। सो आई होप तुम लोगों को पसंद आया, डू कमेंट एंड अभी लेट्स डू कॉल घर पे। मैंने मम्मी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, अंशु को भी नहीं पता, तो घर पे कॉल करते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कि क्या होगा। मुझे तुम्हें एक चीज दिखानी है, इधर देखो जल्दी। बताओ ना मम्मी। शिवांगी कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। मम्मी अच्छा नहीं लग रहा क्या? लंबे बाल ही अच्छे थे। मम्मी तुम बताओ कैसा लग रहा है? बोलो ना, कुछ तो बोलो। अच्छा ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोलूं? अच्छा लग रहा है तो अच्छा बोलो, गंदा लग रहा है तो गंदा बोलो, बताओ कैसा लग रहा है? बिल्कुल उसकी तेरी शौक थी, एक बार मैंने बाल कटाने हैं, शौक पूरी कर ली है ना। बताओ ना कैसा लग रहे हैं? अच्छे नहीं लग रहे क्या? बिल्कुल लड़के की तरह अच्छे लग रहे ना। हाँ बहुत ही सुंदर। पापा कहाँ है? पापा बाहर हैं। दिखाना है पापा को? हाँ दिखाओ ना, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सबके रिएक्शन, दिखाओ दिखाओ। साइड प्लीज पंपी रे। मैंने कैमरा ऑफ। पंपी लल्लू पंपू पंपुन्या। शिवांगी तुम बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है? मेरे को तो बड़े वाली अच्छे लग रहे हैं। पापा क्या दिख रहा है? देखो मैं कैसे लग रहा हूँ। पापा कहाँ गए? अच्छे नहीं लगे। पापा बताओ ना, दो ताऊ को फोन दो। ताऊ दीदी पूछे कैसे लगे। अरे बता दो तो। अच्छे लग रहे क्या? अच्छे लग रहे पापा, बताओ ना, अच्छे तो लग रहे हैं। अरे कहाँ अच्छे लग रहे हैं, आजकल बाल बाल ही होते हैं क्या? बढ़ जाएंगे। आप बताओ अच्छे लग रहे क्या? यार तू अजीब ही दिख रही यार। आज ही कटाना? अभी कटवाए, मैं तो अभी कटा के आई बस। मम्मी को पसंद आए, पापा को ठीक है, पापा थोड़े वैसे। और अब बारी है अंशु की, लेट्स कैसा लग रहा हूँ मैं? मेरा फोन खा दिया, रुको रुको दोबारा कॉल करती हूँ। कैसा लग रहा हूँ मैं दादा? अच्छे लग रहे भाई, पर तू है कौन? अच्छे लग रहे क्या? मैं देख मम्मी आ जाओ, ये देखो इसको। मम्मी क्या है? मम्मी बताओ ना मैं कैसे लग रही हूँ, अच्छे लग रही क्या? अब तेरे को अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही होगी, मेरे को तो नहीं लग रही है। दीदी को अच्छी लग रही, सिब्बू को अच्छी लग रही है। दीदी शिवांगी मना कर रही है, कितने प्यारे बाल थे तेरे यार। पता है सुबह मम्मी ने मुझसे बोला कि किरण लड़का ढूंढते शादी कर ले, तो मैंने बाल कटा लिए। अब एक दो साल तो लगेंगे बढ़ाने में, अब ऐसे तो कोई लड़का भी नहीं भी आएगा। ये मम्मी के किससे हुआ है? एक दिमाग तो है मम्मी तुम्हारी लड़की। अब बोलो, अब मैं लहंगे में अच्छी ना लगूंगी ऐसे? नकली बाल लगा देंगे। यार मम्मी इसका मतलब अब दीदी एक दो साल मुंबई रहेगी यार। नहीं आ जाऊंगी मैं भी गंदा। नहीं चाहता क्या तू मैं आऊं? दो तीन महीने में तो बढ़ जाएंगी तेरे बाल यहाँ आने तक।
इन्हीं छोटे बाल में आऊंगी मैं भी, मम्मी कह रही कॉलोनी में दिखना मत दे क्यों। अरे नहीं नहीं आजा यार आजा। तुम लोग मुझे खाना तो दोगे ना? खाना तो दोगे ना मुझे? हाँ यश लाएंगे तेरे को, ये पाल ले जी। कुत्ता हूँ मैं। अच्छे नहीं लग रहे क्या? देख मेरे तो अच्छे लगे। अच्छी लग रही है। और एक चीज दिखाती हूँ, लड़की थोड़ी पागल सी होती है। वो जर्नलिस्ट होती है उसमें, अच्छी होती है वो। बर्फी में प्रियंका चोपड़ा अंशु। हाँ वही प्रियंका। हाँ मैं हूँ। जा तो एक चीज दिखाती हूँ, रुको। टूकी 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 कितने बड़े बाल थे। मैं घर ले आई मम्मी। हाँ घर घर को तो एक बार मारोगे तुम लोग मुझे। मैं नहीं आ रही हूँ। तुम लोग मुझे मारोगे। तभी मम्मी ने मुझे ज्ञान दिया सुबह, ऐसा ऐसा बोला तो तभी मैंने बाल कटाए हैं, वरना मैं नहीं कटा रही थी। अच्छा तो तू जो एक साल से बोली थी बाल कटाने तू भी कम थोड़ना है, तू भी कम थोड़ना है अंशु, तू भी कम थोड़ना है। चुप, चलो फोन काटो, तुम लोग बहुत हो गए तुम लोगों का। चलो तुम्हारी चाय पूरी करूं मैं। शिवांगी के जब मैं आऊंगी, शिवांगी के बाल भी इतने करा देंगे काट के। शिवांगी समझदार है बेटा, तीन तरह ऐसा करेगी। चलो घर पे फोन कर लिया है, अब टाइम है फ्रेंड्स लोगों को फोन करने का। How was it? Oh my gosh! Am I not looking good? Girl, I just love it. Oh my god! It just changed your personality. Whole personality. I will show you. I was looking so good. Time for something. कैसा लगा? आई नहीं, उसने विग लगाई है, उसने अच्छा लग रहा है। नहीं, उसने हेयर कट कराया। नाइस नो, विग लगाई है उसने, विग लगाई। एक बार बालों को टच करके दिखा। आर यू सीरियस? मम्मी को दिखाया तूने पहले? सबके रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही हूं। तेरा भी रिकॉर्ड हो गया। यार सीरियसली कैसा लग रहा है? सच है क्या? ये सच है। कैसे लग रही है? Very nice. अच्छा लग रहा ना? विनीत। Yes. Oh, कैसा लग रहा है? सही है, बढ़िया गया। Hi. Hi. Oh my. कैसा लग रहा है? Your network, honey. हेलो आंटी, नमस्ते। आपके इंडिया में नमस्ते कहते हैं ना? नमस्ते। हाँ तो क्या बन गई अंग्रेज़? क्या क्या आंटी अपने अंग्रेज? हाँ आंटी अंग्रेज। नथिंग। गुड गुड।
saying? कहाँ है तू? मैं तुम्हारे दिल में. I come. ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? ट्रस्ट नहीं हो रहा ना? तेरे को रही हूँ. देख. अब तो हो गया होगा. My God, you look hot. मैं एक चीज दिखाऊं. फ्राइंग करवाया है तुमने? हाँ, करवा लिया मैंने. हाँ, झूठी कुत्ते. ये देखो. कटवा लिया मैंने. किसी लड़के से बात कर रही हूँ मैं. सही है. तुम अब तुम्हें बॉयफ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है. ओह माय गॉड. अच्छा लग रहा ना? कितनी क्यूट लग रही है. ओह माय गॉड. तो रिया, डू यू लाइक माय हेयर? एक मिनट. नहीं रिया, नहीं मैं बता रही हूँ. आई लव योर हेयर. अब हम इसी खुशी में पी रहे हैं प्यारी सी चाय और ओदे विच थेपला. अब तू सूट नहीं करेगा. नाउ यू शुड से पंजाबी थेपला. आई मीन थेपला विच व्हाट यू कॉल दैट? थेपला चाय नहीं, टी. ओह टी विच थेपला. अब से मैं अंग्रेज करूंगी. अरे आई स्वेयर, जब से मैंने हेयर शॉर्ट कराया है, मैं बालों में हाथ ही पड़ रहा है. मतलब बार बार अब मुझे समझ में आया कि लड़की लोग बार बार अपने बालों में हाथ क्यों मारते हैं. नाउ आई डू अंडरस्टैंड दैम एंड आई फील बैड कि पहले मैं उनको जज किया करती थी कि बार बार हाथ क्यों मारते हैं. बट नाउ आई गॉट इट. बट आई एम गोना से आई एम रियली लाइकिंग द हेयर कट. सॉरी मैं खो गई थी. आई रियली लाइक इट और आई होप यू गाइज ऑल्सो लाइक this new me. And don't forget to like, subscribe and share. दो तीन चीज़ें तो अच्छा हो गया. एक टाइम बचेगा मुझे रेडी होने में. सेकेंड शैम्पू एंड कंडीशनर बच जाएगा और वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम गर्ल टू लाइक थोड़ा बॉयज टाइप्स. एंड आई एम गोना सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.